नमस्ते एवरीवन इस वीडियो में हम देखेंगे संदेह इस आ, संदेह इस चैप्टर का शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन ये कहानी लिखी गई है जयशंकर प्रसाद जी ने संदेह means doubt. किसी भी चीज के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं होना किसी इंसान किसी चीज जो भी दैट इज डाउट एक्चुअली इस कहानी का जो मूल उद्देश्य है ये जो कहानी कहना चाहता है वो कि आ, जैसे सोसाइटी में समाज में जब हम रहते हैं तभी परिस्थितियां सरकमस्टेंसेज ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं कि कभी ना कभी हमारे मन में किसी न किसी किसी दूसरे इंसान के लिए कुछ संदेह कुछ डाउट बिकॉज ऑफ समस्टेंसेस कुछ डाउट आ, आ जाते हैं एंड फिर एक बार किसी के मन में कुछ डाउट आ गया और जिस इंसान को डाउट हो जाता है या संदेह रहता है तो उसके जो सारे डिसीजंस रहते हैं वह पूर्वाग्रह पूर्वाग्रह के आ, के अधीन रहते मतलब कि वो जजमेंटल हो जाते हैं हमारे सारे डिसीजंस हम किसी के लिए भी अगर कुछ कुछ भी डिसाइड करना चाहे अगर एक बार डाउट आ गए तो सारे डिसीजंस गलत हो जाते हैं सेकंड थिंग संदेह के कारण जो इंसान संदेह करता है उसके कारण उसे मानसिक और भावनात्मक पीड़ा भी होती है मतलब मेंटली इमोशनली उसे बहुत ज्यादा पेन होता है वह डिसीजंस नहीं ले पाता है लाइफ बहुत पेनफुल हो जाती है एंड अगर उसे अपनी लाइफ में फिर से वही स्थिरता चाहिए अपनी जिंदगी में वही स्थिरता चाहिए स्थिरता मतलब वही सुकून वापस चाहिए उसको वही शांति वापस चाहिए स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में फिर से तो उसे अपने इन, अपने मन के अंदर जो संदेह है उसे निकालना पड़ेगा संदेह को जब निकाल देंगे तभी ही हम वापस से जीवन में स्थिर हो पाएंगे जो स्टेबिलिटी है वो वापस से हमें मिल सकती है तो इस कहानी में एक्चुअली ये जो सारे करैक्टर्स है कहीं ना कहीं उनके मन में एक दूसरे के लिए या किसी सिचुएशन के लिए संदेह रहता है डाउटफुल रहते हैं और एक ऐसे ही दूसरे दूसरे संदेहों को लेके ऐसे डाउट्स को लेके ये कहानी ऐसे इंसिडेंट्स को लेकर आगे बढ़ती रहती है ओके okay, रामनिहाल कैसा है महत्वाकांक्षी है एंबिशियस है शिक्षित युवक है पढ़ा लिखा यंग uh, मैन है उन्नतिशील विचारधारा है लाइफ में उन्नतिशील प्रगति करना चाहता है प्रोग्रेस करना चाहता है इमोशनल है परोपकारी है दूसरों का भला करता है एक अच्छा इंसान है और उलझा हुआ व्यक्ति है उलझा हुआ कहीं ना कहीं इस स्टोरी में वो कंफ्यूज है इमोशनल है एंड श्यामा के यहाँ किराएदार के रूप में रहता है एज अ टेनेंट श्यामा के वहां पे रहता है किराएदार रेंटल बेसिस पे श्यामा के वहां रहता है श्यामा कौन है आदर्श चरित्रवान विधवा नारी विधवा नारी मतलब एक विडो है आदर्श चरित्रवान है कैरेक्टर वाइज बहुत स्ट्रांग है उसका। उसका स्टोरी में भी कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है समझदार है स्नेहमयी माँ है मतलब उसके बच्चे हैं, बच्चों को संभालती है विडो है अपना लाइफ भी संभालती है सॉर्टेड पर्सन है धार्मिक है रिलीजियस है परोपकारी है परोपकारी दूसरों का भला करती है स्वभाव है उसका भावनाओं पर नियंत्रण करना जानती है अपने इमोशंस को फीलिंग्स को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना जानती है वो एंड इस कहानी में और तीन कैरेक्टर्स है, okay. हैं मनोरमा मोहन बाबू ब्रजकिशोर ओके सबसे पहले हम देखेंगे ब्रजकिशोर ब्रजकिशोर के वहां पे रामनिहाल उसके ऑफिस में दफ्तर में काम करता था वह पटना की धनी व्यक्ति है पैसे वाले हैं सुशिक्षित हैं, सोसाइटी में समाज में सज्जन माने जाते हैं सज्जन मतलब अ मैन, धन के लोग ग्रीडी है बहुत वह क्या करते हैं मोहन बाबू को पागल साबित करना चाहते हैं, उनकी संपत्ति का प्रबंधक बनना चाहते हैं, संपत्ति का प्रबंधक मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी है उसका मैनेजर कह सकते हो प्रबंधक वो कहीं ना कहीं उनकी मोहन बाबू की ये रहे मोहन बाबू इनकी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते हैं तो इनके अगेंस्ट वह एक कॉन्स्पिर करते हैं क्या रहता है वो यहाँ पहले हम देख लेते मोहन बाबू कौन है मोहन बाबू और मनोरमा ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं मोहन बाबू मनोरमा के पति हैं रिच है सेंसिटिव है, है संवेदनशील किसी पर विश्वास नहीं कर पाते इस पूरे स्टोरी में मोहन बाबू को बताया गया है कि उनको ट्रस्ट इश्यूज है क्यों क्योंकि उनके साथ लोगों ने इतना धोखा किया है कि वे अब किसी पे जल्दी से विश्वास नहीं कर पाते हैं And, uh, उनके मन में एक एक संदेह हो हो जाता है, एक डाउट हो जाता है है कि मनोरमा के साथ मिलकर ये लोग मतलब मिले हुए हैं और उसके साथ मिलके मोहन बाबू सोचते कि उनकी वाइफ ब्रजकिशोर के साथ मिलके उनके अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरसी कर रही है एंड इसीलिए मोहन बाबू अपनी uh, पत्नी से ऐसा उन्हें लगता है कि उनकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है एंड वो इसीलिए वो मानसिक रूप से मतलब मेंटली बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं एंड कहीं ना कहीं वो हमेशा कहते रहते हैं कि मुझे अकपट प्यार के इच्छुक है वो मतलब मुझे अकपट प्यार चाहिए तो ये मोहन बाबू है एंड मनोरमा मनोरमा सुंदर है धनवान है ऑब्वियसली मोहन बाबू की पत्नी है तो रिच है पर वो एक पतिव्रता स्त्री है वो अपने हस्बैंड मोहन बाबू से मोहन बाबू के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचती है वह किसी से मिली हुई नहीं रहती है इस स्टोरी में कैसे क्योंकि वो पहचान लेती है कि राम निहाल एक अच्छा इंसान है एंड ब्रज किशोर के ये किशोर इसके इसने जो षड्यंत्र रचे है उससे अपने पति को बचाने के लिए वह राम निहाल से मदद मांगती रहती है उसे लेटर्स लिखती रहती है तो वो इसलिए कहा गया है कि वो दूरदर्शी है वो पहले पहचान लेती है कि राम निहाल एक अच्छा इंसान है और उससे मदद की उम्मीद करती है ब्रजकिशोर के षड्यंत्र ये ब्रजकिशोर के षड्यंत्र से पति को बचाने की कोशिश करती है तो मनोरमा पतिव्रता है अब इसमें बहुत सारे संदेह है हम एक एक स्टोरी में थोड़ी शॉर्ट में फास्ट कंटिन्यू करते हैं स्टोरी का जो स्टार्ट होता है वो राम निहाल एक कमरे में अपना सामान बांध रहा होता है मतलब पैकिंग कर रहा होता है वो कहीं जा रहा होता है उस कमरे में एक गौतम बुद्ध की स्टैचू प्रतिमा रहती है एंड वो बहुत ब्यूटीफुल रहती है राम निहाल उसके और देखता भी नहीं है उस वक्त एंड उसके हाथ में ये जो सीन बता रही थी मैं एंड उसके हाथ में एक संदूक है संदूक मतलब बैग है दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे बताई गई एक उसमें बंडल है उसके पास एक बंडल लेटर्स का बंडल पत्रों का एक बंडल है और दूसरा उसके हाथ में उसके पास एक पिक्चर रहता है एक चित्र रहता है किसी का तो वो बंडल्स को खोलना नहीं चाहता है और जो चित्र रहता है वो एक बड़े लिफाफे में रहता है और उसकी आंखों में से आंसू बह रहे होते हैं एंड तभी किशोरी किशोरी कौन है किशोरी के बारे में यहाँ कैरेक्टर स्केच में नहीं लिखा गया है बट किशोरी एक लड़की का नाम है उसकी उम्र बहुत छोट मतलब छोटी है यंग है एंड वह श्यामा को भाभी कह के बुलाती है और श्यामा को घर के कामों में मदद करती है मैंने आपको बताया कि राम निहाल कौन है श्यामा के घर किराएदार के रूप में रहता है तो किशोरी आ जाती है राम निहाल को देखती है रोते हुए वो रो रहा है राम निहाल बहुत दुखी है एंड वह बोलती है कि भाभी भाभी देखा नहीं तूने निहाल बाबू रो रहे और कह के वो श्यामा को बुलाती है श्यामा आती है राम निहाल से उसके रोने का कारण पूछती है एंड राम निहाल कहता है कि वो कुछ पश्चाताप अपराधी जैसा महसूस कर रहा है व्हाट इज अपराधी पश्चाताप गिल्ट फीलिंग हो रहा है उसे लग रहा है कि उस, उसने कुछ गलत किया है इसलिए वह दुखी है एंड वो अपनी बात कहना शुरू करता है तभी श्यामा किशोरी को यह कह के भेज देती है कि जा बेटी कपड़े धूप में फैले वहां वहां बैठ ऐसा कह के किशोरी को वहां से भेज देती है अब श्यामा राम निहाल की बात सुनने के लिए तैयार हो जाती है राम न्याल बहुत दुखी है वो श्यामा के घर से पैकिंग कर रहा है कहीं जाने वाला है एंड अपनी स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू करता है कि वो क्यों रो रहा है एंड वो बोलता है कि किस तरह बोलता है कि श्यामा अच्छी हो तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो मतलब किस तरह से तुमने अपनी वासनाओं का दमन किया है एंड पर तुम्हारा जो अवलंब अवलंब मीन सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है क्या क्या है उसके सपोर्ट सिस्टम अवलंब तुम्हारे पास तुम्हारे बच्चे हैं जो खेलते रहते लड़ते हैं लड़ते झगड़ते हैं एंड तुमने जिस तरह से अपने मन में अपनी सारी इच्छाओं को कंट्रोल में रखा है मैं वैसा नहीं कर पाया मेरे पास ऐसा कोई है ही नहीं जिसको देख के मैं अपने आप को कंट्रोल में रखू तो पहले वो श्यामा की तारीफ करता है और फिर वो खुद के बारे में कहता है कि मैं तो हमेशा से छोटा मोटा काम करता रहा हूँ अलग अलग इंडिया में भारत में अलग अलग भिन्न प्रदेशों में यायावर कर लोग घूमते रहते हैं उस तरह मैं अपना कुछ संदूक एक जो बैग है और थोड़ा सा सामान बस उतना ही लेके एक शहर से दूसरे शहर में हमेशा घूमता रहता हूँ एंड मुझे कभी घर जब से मैंने होश संभाला है मुझे लगा है कि मैं हमेशा ग्रहहीन था ग्रहहीन होमलेस मेरे पास कभी घर नहीं था एंड वह बोलता रहता है रोते हुए बोलता रहता है कि मैं हमेशा से बहुत महत्वाकांक्षी बहुत महत्वाकांक्षी एंबिशियस रहा हूं और उसे लगता था कि वह कहीं ना कहीं ओवर स्मार्ट है ज्यादा ही कुछ चतुर है ओवर स्मार्ट है एंड वो से यह भी बताता है कि वो पहले जिनके यहां मैं काम करता हूँ वे लोग सारे सुशिक्षित और सज्जन है मतलब पढ़े लिखे अच्छे लोग है अब वो ब्रज किशोर की बात कर रहा है जब वो मैं वहां काम करता था तो वो अच्छे लोग है मुझे मानते भी थे पर मुझे घर का सुख घर क्या होता है उसका सुख नहीं मिला तो घर का सुख उसे कहाँ आके मिला उसे श्यामा के घर आके मिला तो श्यामा बीच में रोक देती है और बोलती है कि व्यर्थ की बात करते रहोगे मेन मुद्दे की बात कर बाबा की रो क्यों रहा है तो रामदयाल कंटिन्यू करता है कि मैं जब ब्रजकिशोर के वहां काम करता था तो एक दिन ऑफिस में शाम इवनिंग टाइम पे मैं वहां घाट पटना ब्रजकिशोर कहां पटना में काम था उनका ऑफिस तो मैं वहां पे शाम को घूमने के लिए जा रहा था तभी ब्रजकिशोर ने मुझे दो लोगों से मिलवाया कौन थे मनोरमा और मोहन बाबू और ये कहा कि ये दोनों मेरे एक संबंधी है संबंधी मतलब रिलेटिव्स है ब्रज किशोर ने कहा कि ये लोग मेरे संबंधी हैं और ये आज मैं इनके साथ नहीं जा सकता एस मैं थोड़ा बिजी हूँ तो तुम उन्हें अपने साथ घुमाओ तो जो घाट रहते हैं जैसे गंगा किनारे जो घाट रहते हैं वहां तुम इन्हें घुमाओ और ये सुनके मनोरमा खुश हो जाती है कहीं ना कहीं कि ब्रज किशोर नहीं आ रहे तो रामनिहाल थोड़ा वेट करता है मनोरमा और मोहन बाबू को साथ में लेके वो कहा जाता है घाट के वहां पे तो वो सोचता है कि मैं घाट पे दशाश्वे घाट पे जाने के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद वह मान मंदिर के वहां पे घूमने जाता है मान मंदिर भी घाट का नाम है क्योंकि वहां का बजरा ठीक है बजरा मींस बड़ी बोट जिसको ऐसा रूफ रहता है एंड बड़ी बोट जहाँ पे लोग घाट पानी में मतलब घूमते हैं एंड एंड uh, वो आगे बताता है कि जब हम राम निहाल बोलता है जब मैं मोहन बाबू को लेके घाट पे घूमने गया तो वहां पानी था बहुत अच्छा दृश्य था एंड इवनिंग का टाइम था एंड पेड़ी लगी थी व्हाट इज पेड़ी जब बोट तैयार हो जाती है तो हम बोट में एंट्री करने के लिए एक वुडन प्लैंक हो के होके जाते हैं मतलब उसके ऊपर तो उसको बोलते बोट जब रेडी होती है प्लैंक वुडन प्लैंक लगा रहता है उसको बोलते पेड़ी लगी थी तो सबसे पहले बोट में मोहन बाबू बैठ गए एंड फिर राम निहाल बैठ गया एंड मुनर जब बोट पे बैठने आई तब उसे थोड़ा मतलब चढ़ने में बोट के अंदर बैठने में डर लग रहा था तो राम निहाल कहता है कि मैंने उसे अपना हाथ दिया और कहा आप चले आइए कोई डर नहीं सी मैं डायलॉग्स के साथ बोलती सो यू कैन स्टिल रिमेम्बर कि ये किसने किससे कहा है तो रामनिहाल ने श्याम मनोरमा से कहा कि आप चले आइए कोई डर नहीं है तो मनोरमा राम निहाल का हाथ पकड़ के बोट में बैठ जाती है और बैठते बैठते मनोरमा राम निहाल को कान में कहती है कि मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं कुछ कुछ है भी तनिक सावधान रहिएगा नाव की बात है मतलब वो कहीं ना कहीं उसे बोल पहले ही बता दिया कि मोहन बाबू पागल है भी थोड़े थोड़े और बनाए भी जा रहे हैं और इस तरीके से रामनिहाल एक यंग मैन है उसने मनोरमा ब्यूटीफुल है उसके मन में ऐसा ख्याल आने लगे कि एंड अपने मन को अरे कितनी सुंदर है वगैरह उसके मन में ऐसे फीलिंग्स आ रही थी वो वो भी बता रहा था श्यामा को एंड ये भी कह रहा था कि मैंने उसे कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है करके वो लोग गंगा की जो घाट रहती है जो पानी पानी था उधर, उसपे छोटे-छोटे बहुत ब्यूटीफुल, वे पानी में बह रहे थे, बात बात में मनोरमा और मोहन बाबू के बीच में बातें होती है कि दीपक कैसे लग रहे हैं तो मोहन बाबू मेंटली डिस्टर्ब है आपको जैसे पता है एंड जब उनसे पूछा गया कि उन, मोहन बाबू फिलोसॉफिकल बातें करते हैं वो गंगा के घाट को देख के मनोरमा तो कहती है कि गंगा जी की पूजा कर रहे हैं दीप दान करके मतलब दीपों को पानी में बहा के तो मोहन बाबू कहते हैं कि नहीं मोहन बाबू ये मनोरमा से कहते हैं कि ये जीवन के लघु दीप को अनंत की धारा में बहा देने का संकेत है।, मतलब है, है, है उसमें बाहर है तो लाइक like मोहन बाबू फिलोसफिकल बातें कर रहे हैं तो मनोरमा महाराम निहाल से कहती है इशारों में यू हैव टू इमेजिन एक बोट है एंड uh, उस बोट में तीनों जन बैठे हुए हैं एंड रामनिहाल मनोरमा मोहन बाबू और मनोरमा इशारों में रामनिहाल को बोलती है कि देखा ना मतलब देखा ना मैंने बोला था ना आपको कि ये पागल भी है जैसे ही उनके बोट घूमते जा रहे हैं तो अचानक फिर मोहन बाबू बात करते रहे मनोरमा से और कहने लगते हैं कि मुझे पता है कि तुम लोग मुझे पागल समझते हो एंड मैं पागल मुझे संसार ने हमेशा ही धोखा दिया है एंड मैंने मानसिक ने मुझे सहायता नहीं दी मतलब मेंटली डिसऑर्डर मेंटली जो हैप्पीनेस नहीं है और मुझे अकपट प्यार की आवश्यकता है जीवन में ये मुझे कभी नहीं मिला मोहन बाबू ये बात मनोरमा से कहते हैं um. एंड uh, और तुमसे भी नहीं ऐसा तो मनोरमा घबरा जाती है और बोलती है अरे तुम ये का, क्या कह रहे हो चुप रहो चुप रहो पर मोहन बाबू बोलते जा रहे हैं कि तुम क्यों लोगों के सामने राम निहाल वहां खड़ा था तो तुम क्यों लोगों के सामने बात छुपा रही हो जो सच है वो सच है मतलब इस तरह से वो बातें कर रहे हैं तो राम निहाल बोलता है बोटमैन को उसने कहा है मांझी अब घूम चलो मांझी मतलब जो द वन हु रोज द बोट जो बोट चलाता है एंड कार्तिक की पूनम पूर्णिमा फुल मुंडे का दिन आ, रात रहती है वो फुल मुंडे तो जिस दिन फुल रहता है है वो रात रहती है, तो कार्तिक की चांदनी रात थी सब जगह मूनलाइट रहती है चांदनी रात थी एंड वापस से वो लोग राम निहाल रोक लेता है बोट को वो लोग टर्न ले लेते हैं वापस से मान मंदिर घाट की और एंड मोहन बाबू बोलता रहता है मनोरमा को कि तुम ब्रज किशोर के साथ मेरे अगेंस्ट षड्यंत्र कर रही हो तुमने मुझे पागल बना रहे हो मैं ये सब समझता हूँ ऐसे करके मोहन बाबू बहुत ज्यादा उत्तेजित एग्रेसिवली बात करते हैं एंड मनोरमा बोलती चुप रही है ना, चुप रही है ना, आप तो व्यर्थ में संदेह कर रहे हो आप ये सब संदेह डाउट निकाल दीजिए नहीं तो मेरे लिए सखिया सखिया मीन्स पॉइजन मंगा दीजिए तो मेरी छुट्टी हो

क्योंकि वो भी संदेह कर रहे थे ही वाज नॉट कॉन्फिडेंट तो वो भी डाउट कर रहे थे कि मेरी वाइफ मिलके कर रही है ये बस उनके मन में ये डाउट संदेह बैठ चुका था कि मेरी वाइफ मेरे अगेंस्ट ब्रज किशोर के साथ मिली हुई है एंड फिर वो जब थोड़े काम होते हैं तब वो बोलते हैं कि अरे मुझसे गलती हो गई तुम्हारा अपमान होता है सबके सामने मुझे ये बातें ना कहनी चाहिए करके वे उसके चरण पकड़ लेते हैं मतलब उसके पैर पकड़ के उसे सॉरी भी बोलते ये सब रामनिहाल देख रहा होता है एंड वो उसे पता चल जाता है कि मोहन बाबू मतलब मेंटली हिज डिस्टर्ब है हिज नॉट वेल तो मानसिक विकारों से पीड़ित है हिंदी में भी बोल रहे हैं क्योंकि लिखना आपको हिंदी में ही है ओके okay? और इस तरह से रामनिहाल को समझ में आ जाता है जब उतरते वक्त भी जब वो बोट से उतर रहे होते हैं तब भी मनोरमा रामनिहाल का हाथ पकड़ के बोट से उतर रही होती है एंड uh, कहती है कि आप देखते हैं ना आप देखते हैं ना मतलब कहीं ना कहीं वह रामनिहाल को बता रही है कि उसके हस्बैंड की हालत कैसी है एंड uh, वो उससे ये भी कहती है कि रामनिहाल जी मेरी विपत्ति में आप सहायता ना कीजिएगा कौन कह रहा है मनोरमा कह रही है रामनिहाल से कि आप मेरी सहायता ना कीजिएगा मतलब इन आप मेरी मदद नहीं करोगे बट जो मनोरमा राम निहाल से बार बार बात करती है तो राम निहाल इस पूरे इंसिडेंट का मतलब गलत निकाल लेता है राम निहाल श्यामा से कहता है कि मुझे लग रहा था मतलब जैसे कि वह कोई आश्रय ढूंढ रही है एंड कहीं ना कहीं राम निहाल को ऐसा लगने लगा था कि मनोरमा उसे मनी मन कहीं पसंद करने लगी है तो वो कुछ ये सेकंड डाउट था उसको पहला डाउट मोहन बाबू को था संदेह सेकंड डाउट राम निहाल को हो गया कि मनोरमा मुझे पसंद कर रही है और राम निहाल फिर कंटिन्यू करता है स्टोरी कि मुझे आगे पता चला ब्रज कि ब्रजकिशोर बाबू ये चाहते हैं कि मोहन बाबू अदालत में पागल मान लिए जाए और ब्रजकिशोर उनकी सारी संपत्ति प्रॉपर्टी उसके प्रबंधक प्रबंधक मतलब जो केयर एक मैनेजर हुए उन्हें बना दिया जाए क्यों क्योंकि मो, मोहन बाबू के बहुत क्लोज रिलेटिव है तो मतलब कहीं ना कहीं मोहन बाबू पागल हो घोषित हो जाते हैं कोर्ट में तो सब कुछ ब्रजकिशोर को बहुत सारे अधिकार मिल जाएंगे उसकी प्रॉपर्टी को वो फिर मोहन अपने संदेह के कारण पागल पूरा पागल बन गया है कौन किससे कह रहा है रामनिहाल श्यामा से तुम ये चिट्ठियों का बंडल देख रही हो ना वह मनोरमा का तो चिट्ठियों का बंडल किसका है मनोरमा का है स्टार्ट में तो श्यामा अब बोल रही है कि तुमको संदेह हो रहा है तो ठीक है तुम्हें क्या ये लग रहा है कि मनोरमा तुम्हें बुला रही है और उस में में क्या लिखा था मनोरमा बार बार चिट्ठी लिख रही थी राम निहाल को कि मेरी आके मदद करो एंड uh, राम निहाल को लग रहा था कि मनोरमा उससे प्यार कर बैठी है एंड uh, बहुत सारा कंफ्यूजन था उसके मन में तो श्यामा उधर ये फिर क्लियर करती है कि मनोरमा तुमको प्यार करती है क्या तुम ऐसा समझते हो क्या है मतलब क्या उसका कैरेक्टर लेस है क्या वो नहीं नहीं रामनिहाल छी तुम ये क्या सोच रहे हो ये बात कौन कह रहा है श्यामा राम से कह रही है एंड फिर वो बंडल लेती है और श्यामा उसके हाथ का जो राम के हाथ में से वो जो एक एनवलप था एक एनवलअप में एक चित्र था वो लेती है कि क्या ये मनोरमा का है पर वो में जो चित्र निकलता है वो किसका रहता है वो श्यामा का रहता है मतलब श्यामा से मन ही मन उसे पसंद करने लगता है उसे लगता है अ डाउट अगेन कि वह श्यामा से प्यार करता है एंड वो उसको बहुत मानता भी है एंड उसे पसंद करता है एंड उसमें ये कभी भी ये हिम्मत ना रही नहीं कि वो श्यामा के सामने इस बात को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए तो वो श्यामा से ये बात छुपाना चाहता था तो वो कहीं ना कहीं डर भी जाता है कि श्यामा ने वो एनवलप देख लिया तो श्यामा कहीं बुरा ना मान जाए तो वो ऑब्वियसली रामनिहाल के मन में बहुत सारे रामनिहाल एक यंग मैन है उसके मन में बहुत सारे डाउट्स कंफ्यूजन हो रहते हैं कि कहीं श्यामा को बुरा ना लग जाए तो नाउ सिचुएशन इज कि राम निहाल को लगता है कि मनोरमा उससे प्यार करती है और मनोरमा की मदद करना वो जाना नहीं चाहता है पर वो इतना कर्तव्य निष्ठ है एंड वो उसकी मदद के लिए उसे जाना पड़ रहा है एंड उसे श्यामा का घर छोड़ना पड़ेगा एंड श्यामा का घर वो छोड़ना नहीं चाहता इसलिए राम निहाल रो रहा था कंफ्यूजन so एंड uh, इसमें एक कन्फ्यूजन मोहन बाबू का तो था ही कि वह मनोरमा को मनोरमा पे डाउट करते थे वो रामनिहाल को बोल देती है कि मनोरमा तुमको प्यार करती है और तुम मुझको क्या तुम सच में ये सोचते हो एंड ये उस मतलब वो उसे पूछ रही है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है एंड वो उसे ये भी बताती है कि प्यार करना बड़ा कठिन है इस खेल को तुम नहीं जानते तुम इस चक्कर में मत पड़ो एक दुखिया स्त्री तुम्हें एक कोई एक दुखिया दुखी फीमेल तुम्हें मदद के लिए बुला रही है तो तुम जाओ उसकी मदद कराओ एंड उसकी मदद कराओ ब्रज किशोर की षड्यंत्र से मनोरमा को बचाओ और फिर तुम वापस से मेरे पास यहाँ आ जाओ वापस से जो ट्रेन मिले उससे पटना जाकर ब्रजकिशोर की, की चालाकी से मनोरमा की रक्षा करो और फिर मेरे यहाँ वापस चले आना यह सब तुम्हारा भ्रम था संदेह था करके श्यामा एक सही रास्ता राम निहाल को दिखाती है एंड यहाँ पे राम निहाल धीरे से उठकर नहाने चला गया मतलब क्यों चला गया नहाने वह तैयार होके ट्रेन में बैठ के पटना जाके मनोरमा की मदद करने के लिए चला जाता है तो राम निहाल कंफ्यूज है मनोरमा दूरदर्शी है तो वो राम निहाल को मदद के लिए बुलाती है मोहन बाबू मानसिक रोगी है क्यों क्योंकि उन्हें लगता है कि किशोर और मनोरमा में दोनों मिलके कुछ उसके अगेंस्ट कॉन्स्पिर करते हैं एंड ये सारा कंफ्यूजन ब्रज किशोर ने क्रिएट किया था मोहन बाबू के मन में तो मोहन बाबू ने हमेशा सॉरी ब्रज किशोर ने हमेशा मोहन बाबू को पागल साबित करना चाहते थे so, this was the story. बहुत सारे मोहन बाबू मनोरमा के लिए था सेकंड संदेह एक ये भी है कि ब्रज ब्रजकिशोर दिखने में सुशिक्षित है परंतु समाज में जैसा जाना जाता है वो सही में वो एक अच्छा इंसान नहीं था थर्ड संदेह राम निहाल को लगता है कि मनोरमा जो कान में उससे धीरे धीरे बात करती है हाथ दिया तो कहीं ना कहीं उसको चिट्ठिया लिख रही है तो राम निहाल को लगता है कि मनोरमा उसे पसंद करती है राम निहाल को ये भी लगता है कि वह श्यामा को प्यार करने लगा है और इस तरह से हम कहानी में देखते हैं कि बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं रामनिहाल को यह भी लगता है कि श्यामा को पता चल गया कि मैं उसे पसंद करता हूँ तो उसे कहीं बुरा ना लग जाए एंड एंड बस यही कहानी होती है तो एंड में जो uh, हमारे लेखक है वो बस यही बताते हैं किस तरह से एंड में श्यामा ने अपने विवेक अपनी समझदारी का प्रयोग करके जो कंफ्यूजन वाली जो परिस्थिति रहती है उससे राम निहाल को बाहर निकालती है और उसकी मानसिक पीड़ा को मुक्त मानसिक पीड़ा जो मेंटली इमोशनली जो इम्बैलेंस था वो दुखी था उससे उसको uh, सही रास्ता दिखाती है कंफ्यूजन से बाहर निकालती है and उसे मनोरमा की मदद करने के लिए भेजती है सो दिस वॉज संदेह सो मेनी डाउट्स ओके आई होप आपको थोड़ी मदद मिली हो कहानी को समझने में कीप रीडिंग Bye bye. Happy learning. Bye.